नमस्कार, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज जिला विकासखंड हंडिया के ग्राम सभा पकलोर में आज भी ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के अभाव में गुजर बसर करने पर मजबूर है। चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं ग्राम सभा के दलित बस्ती में तमाम विधवा व गरीब परिवार है जिसको आज तक आवास व शौचालय से वंचित है। झोपड़ी में पढ़नी लगाकर रहने को विवश है, जहां सरकार की मंशा है कि हर गरीब के पास अपनी पक्की छत हो। इसी मंशा के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई, लेकिन जिम्मेदारों की खाओ कमाओ नीति के चलते जरूरतमंद को आवास मुहैया नहीं हो पा रहा है। आपात्रों को तोहफा देकर सरकार से वाहवाही लूटी जा रही है। योजना के लिए जरूरतमंद लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसा ही मामला ग्राम सभा पकलोर के दलित बस्ती में देखने को मिला, जहां पर एक विधवा वर्षों से एक झोपड़ी पर घास फूस डालकर गुजर बसर कर रही है। वही विधवा निर्मला देवी पत्नी स्वर्गीय जगन्नाथ ने अपनी दर्द बयां करती हुई बताया कि इस झोपड़ी में किसी तरह अपने बच्चों के साथ रहकर जीवन यापन कर रही हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना की आस लगाए बैठी हूं, जहां जिम्मेदार कई वर्षों से सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं। इसी तरह एक वृद्धा अमरावती पत्नी राम सिंगार ने बताया कि टूटी फूटी झोपड़ी पर पन्नी डालकर रखती हूं और गरीबी से जूझ रही हूं। आज तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। ग्राम प्रधान सहित जिम्मेदार अधिकारी से अपनी परेशानी कई बार बता चुकी हूं, मगर सुनवाई नहीं हो रही है। वही वृद्धा अमरावती ने रो रो कर आगे बताया कि बरसात में झोपड़ी की जर्जर दीवार गिर गई, जिससे चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गई थी। समय रहते पड़ोसी मौके पर पहुंचकर मलबे से बाहर निकालकर जान बचाई। वही दलित बस्ती में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को देखने के लिए जब पड़ताल किया गया तो कई परिवार अभी भी ऐसे हैं जो ठंड गर्मी और बरसात में बिना छत के जिंदगी गुजार रहे हैं। इस महत्वाकांक्षी योजना में बड़ी तादाद में गरीब परिवार शौचालय व पीएम आवास योजना से वंचित है, इनके पास पहुँचा तक नहीं है। वही जिनको आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, वह गरीब कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना कागजों में सिमटी है। पक्की छत की आस में हम सरकार की ओर निहार रहे हैं, मगर मोदी योगी राज में आपात्रों को बड़ी संख्या में लाभान्वित किया गया है। ऐसा क्यों हुआ, ये जांच का विषय है कि पात्रों को वंचित करके आपात्र को लाभान्वित कराया जा रहा है। इस मौके पर दलित बस्ती की लालती देवी करे दिन ही रावती विमला देवी तमाम ग्रामीणों ने सरकारी योजना का लाभ न मिलने से आक्रोश व्याप्त किया है। खास रिपोर्ट माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज से, ब्यूरो पुरुषोत्तम मिश्रा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। क्या नाम है माता जी आपका? निर्मला। आदमी के नाम तोहरे? जगन्नाथ। आदमी है? नहीं। आदमी एक्सपायर कर गए हैं? हाँ। और इसी झोपड़ी में रह रही हैं आप? हाँ, सरकार झोपड़ी है। आवास और शौचालय की व्यवस्था नहीं, नहीं मिला बा? नहीं। और प्रधान वगैरह को आपने अवगत कराया है इस चीज को? कहा कि तो कहा था साहब, जब नहीं देते तो क्या करें। तो कुछ तो कहा तो ही कुछ नहीं कहीं आए तो देव कितना प्रधान भाई क्यों न दे। बहुत दिन से प्रधान पैसे से इतना तो नहीं करते हैं, पैसा समाप्त हैं क्या? नहीं। नाम है आपका? अमरावती। आदमी का? सिंगार। तो अभी तक आपको आवास नहीं मिला है? नहीं साहब। काहे नहीं, प्रधान वगैरह वीडियो वगैरह को कुछ नहीं मैं बोलते हैं कि नहीं, उनके बहुत तकलीफ है रहने के लिए, मुन नहीं मिला। तो आपका मकान भी बरसात में गिर गया था, आप दब गई थी सुनने में? हाँ, आया इतना मुड़ी भर बची रही। हमारे जेठाऊ तो बोले बेटा के पतोह को उठाएं तब जाए के ईटा माटी निकाल। तो अब तक आवास आपको क्यों नहीं मिला है? नहीं बताना। नहीं तो आपने प्रधान को अवगत कराया इस बात को? बार बार पुकार रहे हैं अब मिलेगा, अब मिलेगा, बस यही कहे। सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है आपको? नहीं। We'll be right back.